सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में बहुत सारा मैं इंटरेस्टिंग आपको नॉलेज देने वाला हूँ। मैं मेरे पास एक्चुअली स्प्लेंडर प्लस का स्विच, अब इसको मैं करने वाला हूँ डीसी कनेक्शन। आपने देखा होगा अक्सर क्या होगा इस वाले स्विच में, देख सकते हैं दो घाट है। तो पहला तो हो गया आपका पार्किंग का और सेकेंड होता है आपका नॉर्मल हेडलाइट का। बहुत सारे लोगों का क्वेरी ये रहता है, हमारे पास छोटे बैटरी है तो हमको शौक जगह, तो हमको क्या करना है, हमको करना है मीटर का लाइट, टेल लाइट वो करना है डीसी बैटरी से, और करना है आपको जो मेन हेडलाइट है जो वो नॉर्मली एसी से रहता है। तो ऐसा कनेक्शन करने के लिए इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में मेरे पास नया स्विच है, नया का नया स्विच। इसमें मैं आपको प्रॉपर कनेक्शन करके दिखाऊंगा मेरे बाइक में, जो कि क्या ऐसा बन रहा है, सीरीज बन रहा है। तो आज की इस वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस करूंगा और कैसे क्या वायरिंग करना है, किस में कटिंग करना है, सब कुछ मैं आपको डिटेल्स दूंगा। तो एक्चुअली दिस इज द स्विच ऑफ स्प्लेंडर, आप देख सकते हैं। तो इसमें मैंने एक्चुअली दो स्क्रू था ओपन करके लिया है। तो पहले आपको क्या करना है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट आपको क्या करना है, ये वाला स्विच ऊपर का जस्ट खोल लेना है और ये वाला स्क्रू है इसको ओपन कर लेना है। एक्चुअली ये वाला जो प्लेट है हमने खोल लिया है, ठीक है, सिंपली देखो। अब ये जो पट्टी है ये वाला, इसको ओपन करना है और इसका प्रेस भी कर सकते हो। देखो इजीली ओपन, इजीली हो गया। देखो ये वाला जो येलो कलर का वायर देख रहे हैं, ये आपका हो गया हेडलाइट का, ठीक है। तो ये वाला येलो कलर पहले पावर देगा इसको, ठीक है। मतलब अगर हम नॉर्मल एक घाट ऊपर करते हैं, ठीक है, दिस इज द पार्किंग, मतलब एक घाट हमने ऊपर कर दिया, पार्किंग हो गया। पार्किंग में क्या होता है, ये येलो कलर का वायर है वो इससे कनेक्ट हो जाता है और ये आपका पार्किंग का हो गया। तो हमको क्या करना है, हमको तो पार्किंग बैटरी से चाहिए भैया, तो हमको क्या करना है, ये वाला पॉइंट आपस में कनेक्टेड हो गया है अगर हम स्विच ऑन करते हैं, तो हमको सिंपली यहाँ पे इसमें काट देना है। और इसको काट के इससे ये वाला स्विच जो है, इस पॉइंट से एक्स्ट्रा स्विच, एक्स्ट्रा जो वायर है आपका ले लेना है। तो सिंपली तो क्या करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। और एक अलग से आपको जो एक्स्ट्रा वायर है वो ले लेना है, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। तो और ये वाला जो इसका कपलर है, ये वाला मतलब सेकेंड वाला का, इसको हम इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि इसके नीचे से हमको वो वाला वायर फिनिशिंग के लिए ले जाना पड़ेगा, वरना गंदा दिखेगा। तो जैसा कंपनी फिटेड होता है वैसा ही होगा। ये वाला प्लेट हमने निकाल लिया, देख सकते हैं, ये वाला प्लास्टिक का प्लेट है और इसके नीचे से वायर गया है। इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। ये वाला जो प्लेट है इसको हमने साइड में रख दिया है और हम जो एक्स्ट्रा वायर ले हैं तो वो सिंपली इसके थ्रू लेकर हो जाएगा। तो ऑयल किसको करना है मैं आपको और एक बार दिखा रहा हूँ। देखो ये वाला जो जॉइंट है इसको सिंपली ऐसे काट देना है, ये कर देंगे, मे बी थोड़ा सा इशू हो सकता है। देखो ये वाला वायर को मैंने अटैच डिसकनेक्ट कर दिया है और इसको हमको रिक्वायरमेंट है नहीं। ये वाला जो पॉइंट है अंदर अंदर की तरफ देख रहे हैं, इसको हमने ये वाला वायर जो कनेक्ट कर देना है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, देखो मिडिल ये वाला जो एक्स्ट्रा वायर है, हमने ये वाला एक्स्ट्रा वायर लाया था। सिंपली हमने क्या किया है, मिडिल वाला जो पोर्शन है देख सकते हैं, इसमें हमको हमने सोल्डरिंग कर दिया है, ठीक है। और इससे और इसमें जो कनेक्टेड थे आपस में, उसको मैंने काट दिया है और आपस में इससे मतलब यहाँ पे रख दिया है इसमें, और इसमें अभी कनेक्टिविटी आ रहा है, मैं आपको मल्टीमीटर चेक करके भी दिखाऊंगा। तो सिंपली हम आपको अभी हम दो वायर मिले हैं हमको, एक आता है हमने जो एक्स्ट्रा वायर लिया है और यहाँ पे सिंपली मिडिल में वेल्डिंग किया है, मतलब सोल्डरिंग किया है। और जो ये वाला जो ब्राउन कलर का वायर है वो पहले से यहाँ पे कनेक्टेड था, ये वाला स्विच यहाँ से टूट गया, आपका भी टूट सकता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सावधान से काम करें। और इसके अंदर एक बॉल होता है, ध्यान से रखो भाई वरना बॉल गिर जाएगा। मल्टीमीटर को पहले सेट कर लेते हैं कंटिन्यूटी पे सेट कर लिया हमने। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला जो वायर है इससे कनेक्टेड है। देखो इसमें जो ब्राउन कलर का वायर देख रहे हैं, ये वाला ब्राउन कलर का, इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं, इसमें हमने पॉजिटिव दे दिया, मतलब इग्निशन से पॉजिटिव हमने दे दिया है, तो उसका आउटपुट पे तो उसका आउटपुट कहाँ पर मिलेगा, देखो इस वाला वायर पे आउटपुट मिलेगा, कैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी अभी कनेक्टिविटी नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने पार्किंग ऑन नहीं किया है। अब मैं सिंपली इस स्विच में, ठीक है, देख सकते हैं ये वाला स्विच है, सिर्फ एक घर ऊपर करूँगा। देखो कनेक्टिविटी हो रहा है, मतलब हमने एक घर ऊपर किया और ये डायरेक्ट आपका बैटरी से हो रहा है, पार्किंग चल रहा है। अब जब हम
पूरा ऊपर कर देंगे तब भी आपका इन्वर्टर का लाइट जला रहेगा, क्योंकि इस वो बैटरी से पावर मिल रहा है। अब आपको हेडलाइट में पावर चला गया, हेडलाइट का स्विच कौन सा है, मतलब हेडलाइट का वायर कौन सा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वाला जो येलो कलर का, मतलब जब आप बाइक स्टार्ट करते हैं तो ये वाला वायर में आपका, तो ये वाला वायर में आपका पावर आ जाता है। मतलब ये वाला, मतलब ये आपका जो व्हाइट वाला, मतलब ये वाला के बगल में जो व्हाइट वाला है वो उसमें कनेक्टिविटी दिखा रहा है। अब मैं आपको इसमें डीपर करूँगा, ठीक है। अभी मतलब लोअर में, तो इसको मैं प्रेस करूँगा, देखो कनेक्टिविटी चला गया। मतलब अभी येलो कलर का वायर इस वायर में आपका करंट नहीं दे रहा है, येलो कलर का करंट जो है ब्लू वाला वायर में ट्रांसफ़र हो गए, क्योंकि हेडलाइट जो डीपर में चल रहा है। और हम अपर करते हैं, देखो एक सेकंड, देखो दिखा रहा है ना, अगर हम अपर करते हैं तो डीपर वाला में करंट तो चला जाएगा ना, वो चला जाएगा आपका व्हाइट वाला वायर में। ये वाला जो व्हाइट वाला वायर है वो होता है अपर का, और जो ब्लू वाला वायर होता है वो होता है डिपर का। तो तीन चीज़ें हमने सीख ली हैं। तो बचे कितना, बचे पांच वायर। तो पांच वायर कौन सा कौन सा कलर, मतलब किस किस काम में लगता है वो चले जान लेते हैं। इंडिकेटर्स का वायर कौन सा है, मेन मतलब इसका जो मेन वाला कपलर है, मेन वाला वायर है वो होता है ये इस टाइप का कलर। तो मैं आपको अगर चेक करके दिखाऊं, इंडिकेटर अभी बंद है, तो चलिए आप जान लेते हैं राइट साइड का इंडिकेटर मैंने दिया तो किस में कंटिन्यूटी आना चाहिए। ओके, इसमें तो नहीं आ रहा है, तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो मिडिल में कनेक्टिविटी दिखा रहा है, मतलब ये वाला वायर का करंट आपका रेड वाला वायर में चला गया जब हम लेफ्ट साइड के इंडिकेटर दबाते हैं। तो देखिए कनेक्टिविटी मैं आपको दिखा रहा हूँ, कनेक्टिविटी दिखा रहे, देखो ठीक है। अगर हम इंडिकेटर को ऑफ करते हैं तो क्या होगा, देखो कनेक्टिविटी चला गया, हो गया। अगर आप राइट साइड का इंडिकेटर दबाते हैं तो ये वाला वायर किस में जाता है, देखो अभी कनेक्टिविटी नहीं शो रहा कर रहा है, तो इसमें हम राइट साइड में करते हैं, देखो कनेक्टिविटी दिखा रहा है। ठीक है, तो इससे साबित क्या हो गया, ये आपका हो गया मेन वायर, ये वाला आपका हो गया मेन वायर, ठीक है, जिसमें एक्स लिखा हुआ है, और उसके वाला जो है आपका लेफ्ट साइड का इंडिकेटर, और सेकेंड वाला हो गया आपका उसी पैरेलल में आपका राइट साइड का इंडिकेटर हो गया। तो हमने ये वाला तीन इंडिकेटर्स का वायर हो गया, और ये येलो वाला और वाइट एंड आपका ब्लू, ये आपका हेडलाइट का, और आपका जो ग्रे टाइप का है वो हमने इससे कनेक्टेड किया था, मतलब आपका डीसी कनेक्शन किया था। और बचे सिर्फ दो तार, एक होता है आपका ग्रीन और एक होता है ब्लैक। तो ग्रीन किस लिए है और ब्लैक किस लिए है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप हॉर्न दबाते हैं तो कौन से वाला वायर में कनेक्शन जाता है, अगर हम हॉर्न दबाते हैं तो देखो जो ग्रीन वाला वायर, मतलब हल्का जो ग्रीन वाला वायर है जो बच गया था, दोनों वायर एक्चुअली बच गया था, ब्लैक और ग्रीन वाला। तो अगर ग्रीन वाले में मैं कनेक्शन देकर दिखाऊं, जब भी मैं हॉर्न प्रेस कर रहा हूँ तो देखो बीप बज रहा है। तो इससे साबित क्या होता है, इससे साबित होता है, एक बार मैं क्लियर करके बता देता हूँ। एक हो गया आपका लाइट ग्रीन और एक हो गया आपका ब्लैक। तो लाइट ग्रीन और ब्लैक, ये जो दोनों वायर है वो होता है हॉर्न का। तो हमने कंप्लीट डिटेल्स दे दिया है इस वाले कपलर में, स्प्लेंडर में कौन कौन सा वायर किस किस काम में आता है। अब आप पूछोगे ये वाला वायर कौन सा है, ये वाला एक्चुअली है आपका नेगेटिव का, मतलब इसमें आपको नेगेटिव देना पड़ेगा। और डिपर, डिपर का स्विच का वायर कौन सा है, एक्चुअली डिपर का स्विच का वायर इसमें है ही नहीं, ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अगर हम इसमें तो पॉजिटिव आप दे रहे हो, ठीक है, इसमें आप ब्लैक में तो पॉजिटिव वाला वायर दे रहे हो, तो क्या होगा जब हम डिप मतलब पासिंग का स्विच दबाएंगे तब क्या होगा, ये जो आपका येलो कलर का वायर है, मान लो आप हेडलाइट को डीपर में चला रहे हो, ठीक है, मतलब डीपर में हाई बीम करके जब हम पासिंग करेंगे ना, तो इसका जो कनेक्शन है वो एक्चुअली कट जाएगा। वो कनेक्शन कहाँ से होगा, वो सीधा ले लेगा बैटरी से। अब आपका हाई बीम जब आप पास दबाते हैं, हाई बीम जल रहा है बैटरी से, और इसका जो वायर का कनेक्शन है वो ये रिले जो है कट कर देगा ऑटोमेटिकली। तो ऐसे आपका रिले काम, पासिंग काम करता है। जब पासिंग ऑफ कर दोगे तो आपका हेडलाइट डायरेक्ट, मतलब जो नॉर्मली एसी से चलते हैं, ऑल्टरनेटिव से तो ऑल्टरनेटर से वो वैसा ही चलेगा। तो ऐसे आपका काम करता है, और हमने डीसी कनेक्शन कर दिया एक्चुअली। तो ये वाला वायर और इसमें आपका जो ब्राउन कलर का वायर है, ठीक है, उसमें आपको डीसी कनेक्शन करना है। मतलब आपका अगर मान लो आपको स्पीडोमीटर कनेक्शन करना है तो आप क्या करोगे, स्पीडोमीटर का जो मेन वायर है उसे आप दे देना ये वाला
जो इसको आपको एक्चुअली कपलर को निकाल देना, इस वाला वायर पर दे देना, और इसमें आपको पॉजिटिव मतलब इग्निशन कॉइल से जो इग्निशन से जो पॉजिटिव का सप्लाई है उसमें दे देना। तो जब और उसको नेगेटिव अलग से दे देना। तो जब आप नेगेटिव तो उसको मिल रहा है, अगर आप पॉजिटिव दोगे तो सिंपली जब आप ये वाला एक घाट को ऊपर करोगे तब उसको नेगेटिव नहीं मिल रहा था, जब आप ऊपर करोगे तब उसको पॉजिटिव मिल जाएगा इस वायर के थ्रू और इस वाले वायर के थ्रू। तब आपका बैट मतलब टेल लाइट अगर कनेक्शन करना चाहते हो टेल लाइट कर सकते हो, सब कुछ आपका बैटरी से ऑपरेटेड होगा इस स्विच से। को अगर अभी तक आप देख रहे हो तो फटाफट लाइक कर दो, बहुत डिटेल में मैंने इसको समझाया है। और ये वाला स्विच का कनेक्शन आप किसी भी बाइक में मतलब जिसमें आप करना चाहते हो डीसी वाला कनेक्शन एसी वाला कनेक्शन दोनों एक साथ, तो इस स्विच के थ्रू और ये कनेक्शन के थ्रू आप इजीली कर पाओगे। और इसका मैंने पूरा डिटेल्स दे दिया, और इसमें आपको पासिंग भी बना बनाया मिल रहा है, जिस बाइक में पासिंग नहीं आता है तो उसमें आप पासिंग भी इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब प्रॉपर कंपनी फिटेड वाला ही होगा। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा, मैंने बहुत दिनों के बाद एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाया है वो भी इतना डिटेलिंग के साथ। तो ये वाला वीडियो आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। एसी और डीसी कनेक्शन अभी तक यूट्यूब ने मतलब यूट्यूब में है ही नहीं। बहुत सारे लोगों का रिक्वायरमेंट रहता है कि आपका छोटा बैटरी होता है, मुझे स्टेशन भी मारना है, तो अगर आप मीटर का लाइट एसी से करोगे तो फ्लिकरिंग करेगा, मतलब गिरना दिखता है ना। तो मैं समझता हूँ सब कुछ, ठीक है। तो ऐसा कनेक्शन मैंने आपको दिखा दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना है, चैनल में नए हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यूनिक टॉपिक चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलता है। और बेसिकली इसका जो कनेक्शन मैंने दिखाया है इसका प्रैक्टिकल हम कैफे रेसर में करेंगे, बेसिकली इसमें मैं कैफे रेसर में इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ, तो आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।